कल से थोड़ा ठंडी कुछ कम है, कल जिस टाइप का शीतलहरी था, जैसी हवा थी, वो आज हवा नहीं है। आधे घाट को कवर कर लिया गया है। हाँ। बहुत थोड़े से जगह में जो है लाश को जलाना पड़ता है। गायक किशोर कुमार के ननिहाल की दर्द भरी कहानी। खौफनाक पूस की रात और शमशान घाट पर लाशों का ढेर। लाश जलाने के लिए जगह पड़ रही कम। जल रही चिता की आग से लोग ठंड से कर रहे बचाव। सर्द के बेदर्द रात की कहानी आपको भागलपुर से दिखाते हैं। ये दर्द भरी कहानी है मशहूर गायक किशोर कुमार के ननिहाल भागलपुर की। खौफनाक पूस की रात में कब कहां क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। गायक किशोर कुमार के ननिहाल से एक दर्द भरी कहानी सामने आई। शमशान घाट पर लाशों का ढेर है। ठंड की वजह से ग्रामीण इलाकों के लोगों का इंतकाल ज्यादा हो रहा है, जबकि शहरी आबादी के बीच अलाव की व्यवस्था ना काफी दिखी। भागलपुर के गंगा किनारे शमशान घाट पर लाश के दाह संस्कार के लिए जगह की कमी हो गई है। बढ़ती ठंड की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ गई। शमशान घाट बरारी में लाश की संख्या और उनके परिजन परेशान दिखे, जबकि शमशान घाट बरारी में एक बेड वाला विद्युत शवदाह गृह भी है, लेकिन ज्यादातर समय मेंटेनेंस की जरूरत की वजह से बंद रखना पड़ता है। विद्युत शवदाह गृह के संचालक राहुल राय का कहना है कि स्मार्ट सिटी के रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य की वजह से लाश जलाने की जगह छोटी पड़ गई। स्मार्ट सिटी न तो विद्युत शवदाह गृह का नया निर्माण कर रही है और न ही लकड़ी से जलाने वाली जगह दे रही है। जब पूस की सर्द भरी बेदर्द रात में शहरी इलाके से लेकर शमशान घाट का जायजा लिया तो जिंदगी के सफर की सच्चाई सामने आई। कहें तो ठंड में इंतजार एक सवारी का था और मसला दो वक्त की रोटी का था। मौत ने दोनों ही सवाल खत्म कर दिए। सच्चाई जानिए इस रिपोर्ट से। कल से थोड़ा ठंडी कुछ कम है, कल जिस टाइप का शीतलहरी था, जैसी हवा थी, वैसा आज हवा नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडी है। ठंडी है। आप कहाँ हैं अभी? बरारी घाट में, शमशान घाट में। जो भी डेथ की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हाँ, ये ठंडी में तो बढ़ेगी ही। ठंडी में तो है, डेथ का जनसंख्या बढ़ेगी। शहरी आबादी के बीच में अलाव की व्यवस्था आप देख रहे हैं? नहीं, कहूँ नहीं। ऐसा क्यों? प्रशासन के नाकाफी है, प्रशासन के लापरवाही है। अपना नाम बता दीजिए। अमित कुमार शाह उर्फ बबलू, 3 विराट चौक, दुमका। नाम बता दीजिए अपना। राहुल कुमार राय। कहाँ ड्यूटी आपकी? विद्युत शवदाह में। अच्छा राहुल जी, एक बात बताइए कि बाहर जो है वो पूरा भीड़ है लाश जलाने वालों का, जगह नहीं है, क्या ये सच है? सही है सर। क्या जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है ना, तो आधे घाट को कवर कर लिया गया है। हाँ। बहुत थोड़े से जगह में जो है लाश को जलाना पड़ता है। ठंड आने की वजह से जो है बाहर से लाश जाना आना ज्यादा हो गया है, इस वजह से परेशानी हो रही है। और आपका विद्युत शवदाह जो है? विद्युत शवदाह सर आज बंद किए हुए। कारण? कारण वो मेंटेनेंस की वजह से अंदर का जो है ना वो डॉकयार्ड का पाइप फट गया है। हाँ। धुआं पूरा अंदर हॉल में ही गुंज जाता है। कितना सीट है, एक ही है या और है? नहीं, एक ही सीट है सर। मतलब इसमें और भी बनने की बात आई थी? अभी तो हम लोग को सुनने में आया था, लेकिन अभी तो धरातल पे उतरते हुए नहीं देख रहे हम लोग। तो लाश जलाने का जो लकड़ी वाला जगह है वो उसमें कितना जगह बच रहा है? मतलब पहले की अपेक्षा सिर्फ 1/4 जगह है सर। 3 कोना जगह को जो है स्मार्ट सिटी कवर कर लिया है। हाँ। परेशानी बड़ी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गंगा भी मैली हो रही है। गंगा भी मैली हो